मामला ये एक एप्लीकेशन PIL फाइल किया गया था कि सेक्शन 144 के तहत जो रूट निर्धारित किया था जिला प्रशासन ने देवघर ने, उसको चैलेंज किया गया था। कहना उनका था कि अलग दूसरे रूट से जाना चाहिए शिव बारात को, तो जिला प्रशासन इस पर बहुत ही सख्त था और जो इंटेलिजेंस इनपुट और पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो पहले से 93-94 से जो शिव बारात का जो रूट है, जो रूट फॉलो होता आ रहा है, उसी रूट के पूर्व के रूट पे ये आदेश पारित किया गया था कि उसी रूट से शिव बारात जाएगा और उसका निर्धारण किया गया था। इस ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं था कि कॉन्ग्रीगेशन या असेंबली पे किसी नंबर ऑफ पीपल का रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं था इसमें। सिर्फ ये आदेश इस पर्टिकुलरली इस पे था कि किसी अन्य रूट से शिव बारात ना जाए, जो पहले से चला आ रहा है, जो कस्टम है, जो शिव बारात का जो ट्रेडिशनली जो रूट फॉलो होता आ रहा है, जिला प्रशासन ने उसको उसी रूट को निर्धारित किया। और उसके बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं, बैकग्राउंड प्रिपरेशंस है, हेल्थ हैजार्ड्स हैं, पब्लिक सेफ्टी है, इसको ध्यान में रखते हुए एक रूट निर्धारित किया गया था। अन्यत्र रूटों से जाने से बहुत ही अलग तरह का विधि व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी का इशू हो जाता, तो इस वजह से एक रूट निर्धारण किया गया था जिसको कोर्ट ने सुना, हमारे पक्ष को भी सुना। और पिटिशनर का कोई राइट नहीं बनता है या किसी का भी कोई राइट नहीं बनता है कि हम शिव बारात इसी रूट से ले जाएंगे। ये जिला प्रशासन का ये निर्धारण करने का अधिकार है, इसको कोर्ट ने माना और रिट याचिका पे किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करने से इनकार किया। और DC उपायुक्त देवघर से भी कोर्ट ने डायरेक्टली संपर्क करके जाना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 5 या 10 आदमी से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं जगह खड़े, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह की जो भ्रामक स्थिति पैदा की गई है इस PIL के द्वारा, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इस तरह की कोई बाधा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिला प्रशासन का जो पूर्व निर्धारित जो निर्धारित रूट है उसी से शिव बारात निकलेगा और वही आदेश कायम है। कोर्ट ने कह दिया स्पष्ट तौर पे कि इसमें कोई इंटरफेरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको सर क्या खारिज माना जाएगा या याचिका का निष्पादन माना जाएगा, टर्म क्या इस्तेमाल होगा? तो खारिज ही है, कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया निष्पादित, तो उसको जैसा समझ लीजिए, लेकिन वर्ड तो यूज़ किया है कि मैं इस PIL को इंटरफेयर करने से मना करता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।